पर विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ, विकास के शरीर में 10 जख्म पाए गए हैं। रिपोर्ट के बड़ा खुलासा हुआ है, 3 गोलियां शरीर के आर पार हुई हैं। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, 1 गोली दाहिने कंधे पर लगी है और 2 गोलियां बाएं तरफ सीने में लगी हैं। दाहिने हिस्से में सिर, कोहनी में चोटें आई हैं, पसली और पेट में आई हैं चोटें। तो गोली कितनी दूर से चली ये साफ नहीं हो पाया है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, कानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस पूरे मामले पर सामने आई है, 10 हिस्सों में चोट के निशान पाए गए हैं। तो गोली कितनी दूर से चली है फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया। अवनीश दीक्षित हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, जानना चाहेंगे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई इसमें और क्या कुछ खुलासा हुआ है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है विकास दुबे के मरने के बाद, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा किया गया विकास शरीर में 3 गोलियां जरूर लगी थी, लेकिन शरीर में चोटों के निशान 10 पाए गए थे। और ये दोनों जो 3 गोलियां लगी थी, 1 कंधे में, 2 सीने में, इनके अलावा जो 7 निशान है वो विकास की, जब विकास ने इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनी और पुलिस उसको दबाया और गिरा, उसके बाद भी चोटें बताई जा रही, क्योंकि जो चोटें हैं ये कोई गंभीर चोटें नहीं, लेकिन शरीर पर चोटों के निशान जो स्पष्ट मिले, 7 चोटें एक्स्ट्रा मिली हैं, जिसे गोली की निशानी कहा जा रहा है, गिरने के बाद की चोटें हैं। तो क्योंकि वहाँ उस वक्त पानी बरस रहा था, कभी स्थिति खराब थी और मौसम ठीक नहीं था, तो ये चोटों के बारे में कोई स्पष्ट नहीं बता पा रहा, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली वो चोटें बताया विकास जब वहाँ से पिस्टल छीन के भागा और गिरा है, उसके बाद की चोटें। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश। कानपुर